अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तेरू। आज कुक विद तेरू कुछ धमाकेदार मज़ेदार सब कुछ चीज़ें बना के आपको दिखाएगी कि आज वो क्या करने वाली है। आज मैं बनाने वाली हूँ रैप, मज़ेदार घर का रैप, फ्रेश हेल्दी, सबसे मज़ेदार और इजी। आपको ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लानी पड़ेंगी, ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं आएंगी, फ़ौरन बनेगा, ठीक है। ये मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है और मैं इसको क्यूब्स में काटूँगी, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से टिक्का मसाला लगा रही हूँ ताकि ये मज़ेदार सा बन जाए, थोड़ा इसके अंदर मसाला हो। जैसे मसाला ज़िंदगी में भी चाहिए होता है, मसाला खाने में भी चाहिए होता है, मतलब ड्रामा होना ही चाहिए। खैर, इसके बाद इसको मिक्सअप करूँगी। इसको मैरिनेट के लिए हम थोड़ी देर रख देंगे ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अंदर तक जाए और मज़ेदार हो जाए। ये मैं मस्ती कर रही हूँ यार, चिकन बस मैं समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। मैंने कहा चिकन को मसाला ज़रा और अपने हाथों से लगा दूँ। खैर, आजकल मौसम इतना खूबसूरत जा रहा है। आप सब कैसे जा रहे हैं? आप लोगों की ज़िंदगी कैसी जा रही है? अच्छी उम्मीद है कि आप लोग भी खुश होंगे, और अगर मसले मसाइल हों अल्लाह पाक आपके सबके मसले हल करें, आमीन सुम्मा आमीन। बाहर से बाइक गुजरनी ज़रूर थी। खैर, ये चिकन को हम फ्राई करेंगे और इसको तोड़ देंगे, इतना तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बस तोड़ देंगे, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं क्या कहने में डीप जा रही थी, बस इसको तोड़ दो। इसको हम अच्छे तरीके से चिकन को तोड़ेंगे ताकि शवारमे में, मतलब हमारे रैप में, हमारे रैप में ये मज़ेदार लगे, ठीक है। तो मज़ेदार एज इन ऐसे लगे कि सब में लग जाए, समझे आप लोग। खैर, बहुत मज़े का था, या ये बाद में पता चलेगा जो मैं बाद में बताऊँगी। खैर, अब जा रहे हैं हम रैप को हीट करने, उसको हीट करेंगे। आप रैप को हीट करेंगे? हम रैप को गर्म करेंगे ब्रो, हम रैप को गर्म करेंगे। इसके अंदर हम अपनी सॉसेजेस लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कोलेस्ला बनाया है जो हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कैबेज ली मैंने और मायोनीज लिया और उसको मिक्सअप करके काली मिर्च डाल के बनाया और बहुत मज़ा आया। तो ये मैंने अपनी कज़न को कहा, छोटी निब्बी कज़न मेरी, मैंने उसको कहा प्लीज़ मुझे चिमटा देना, और उसने मुझे चिमटा दिया। देखा आपने गाइस कैसा चिमटा दिया उसने मुझे। जैसे जैसे हम रैप बना रहे थे किचन में और भी चीज़ों की तैयारी हो रही थी। मेरी छोटी सी मुन्नू सी कज़न जो है, बर्गर कज़न मेरी, वो अपने लिए हल्दी वाला दूध गर्म करी थी कि मैं दूध पीऊँगी, मैं हेल्दी बनना चाहती हूँ। तो मैं उसको तंग कर रही थी और साथ में रैप बना रही थी। रैप की सारी जो रोटियां थी हमने उनको गर्म कर लिया था। ये चिकन चख रही थी कैसा बना होगा, मैंने बनाया था ऑब्वियसली बहुत मज़े का बना होगा, और उसके साथ साथ मैं मायोनीज़ का कोलेस्ला बना रही हूँ। देखिए यार कितने मज़े का है, यही बहुत मज़े का, मेरी हर चीज़ बनाए हुए मज़े की होती है। माशाल्लाह मैं हूँ बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला शुक्र है। अब आप लोग नज़र मत लगाइएगा जब वॉइस ओवर लगाती हूँ, अगले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही होती, सर दर्द हो रहा होता है। माशाल्लाह बोला करें, ठीक है, इन्जॉय करें, माशाल्लाह बोलें। इसके साथ अब मैं रैप बनाने आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अब भूख बहुत लग गई थी, सोचा अब रैप की तैयारी शुरू करें। आइए बाइक वाली, आप लोग आइए प्लीज़ आइए, थैंक यू सो मच फॉर इंटरप्शन। अच्छा, अब मैं इसके अच्छे से मायोनीज लगा रही हूँ, जो सॉसेस आपके पास हैं वो लगाएं। रात का टाइम था तो मैंने ज़्यादा सॉस नहीं की कि खाया ना जाए, इसलिए मैंने मिनिमम सी थोड़ी सी सॉस लगाई है। और ये मैंने केचप को ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लेंड ये केचप को मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। आई डोंट नो ब्लेंड की जगह क्या कहूँ, अब तो रिक्शा तक बाहर से गुजर रहा है। ओह माय गॉड, मेरा वॉइस ओवर गया आज। खैर कोई बात नहीं, आइए गुजरिए, प्लीज़ गुजरिए, थैंक यू सो मच। या इनको भी थैंक यू बोलेंगे। ये गोश्त कह रही हूँ, ये हम चिकन जो आपने प्यारा सा मैरिनेट किया था फिर उसको बनाया, इतने मज़ेदार, ये देख रहे हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं, वो उसको डालेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे और साथ साथ हम ब्लेंड उसको डालेंगे और साथ हम डालेंगे ये मायोनीज़ में हमने जो बंद गोभी को प्यारा सा बनाया था उसको मिक्सअप करेंगे, और साथ हम स्पाइसेस भी ऐड कर लें अगर आप चाहते हैं। हम कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं मेरी तरह तो कर लें, और नहीं तो ये सॉसेस बहुत अच्छी होंगी, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं। और ये फ़ौरन से बन गया, 2 मिनट की भूख 1 मिनट में भुज जाए बिल्कुल। इनके अंदर मैंने चीज़ डाली थी और इनको मैं माइक्रोवेव करूँगी, और 1, 2, 3 गो ये बन जाएंगे। या
इसके साथ साथ ये बहुत मज़े के थे। मैं अपने पेज के आगे एक दुआ लगाऊंगी, प्लीज़ उस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपके सारे मसले हल करेगा। मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। सब्सक्राइब टू माई चैनल कुक विद अरू, अगर पसंद आए तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू सो